हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल बटन को दबा के रखें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, मैं आनंद आपका स्वागत करता हूँ सरोवर टेक के एक नए जानदार शानदार 250 एपिसोड में। आज हम बात करने वाले हैं जो फ्री टू एयर चैनल्स में घोटाला गड़बड़ी हो रही है उसके बारे में। जैसा आप सबको पता है कि सारे ही जो डीटीएच ऑपरेटर्स हैं, केबल ऑपरेटर हैं, सब ने फ्री टू एयर चैनल की जो लिस्ट है वो जारी कर दी है, अपनी तरफ से सामने कर दी है। आप सभी की वेबसाइट्स पर जाके चेक कर सकते हैं, बट टाटा स्काई की आई थिंक अभी तक आई नहीं है। टाटा स्काई की जो फ्री टू एयर चैनल की लिस्ट है वो अभी तक लिस्टेड नहीं हुई है ऑनलाइन, बाकी सब ने डाल दी है। तो आज हम बात करेंगे कि जो डीटीएच ऑपरेटर्स हैं वो कैसे अपनी मोनोपोली चला रहे हैं फ्री टू एयर चैनल्स को लेके, और नियम को कैसे तरोड़ा मरोड़ा जा रहा है। तो चलिए ज्यादा डिले ना करते हुए स्टार्ट करते हैं सरोवर टेक का एक नया जानदार शानदार और 250 एपिसोड। तो गाइस, जैसा आपको पता है कि ट्राई ने जो नए नियम लागू किए हैं उसके अकॉर्डिंग हमें 130 रुपीज पे करना है 100 चैनल्स का। लेकिन ये 100 चैनल्स कौन से होंगे ये हम अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं या फिर अपने अकॉर्डिंगली चैनल्स को चुन सकते हैं जो ट्राई ने हमें अधिकार दिया है वो। लेकिन जो केवल ऑपरेटर्स हैं और या फिर डीटीएच कनेक्शंस जो भी प्रोवाइड करते हैं वो सब अपनी मनमर्जी मोनोपोली वहाँ चला रहे हैं। और मैं पर्सनली डिश टीवी यूज़ करता हूँ, मेरी डिश टीवी में बात हुई थी तो मैंने उन्हें बताया कि मैं कुछ चैनल्स हटा के जो फ्री टू एयर हैं उन चैनल को हटा के कुछ पेड चैनल है जिन्हें मैं अपने पैकेज में डलवाना चाहता हूँ। लेकिन मुझे साफ साफ मना कर दिया गया कि नहीं, आप जो फ्री टू एयर चैनल है वो आपको पूरे 100 लेने ही पड़ेंगे चाहे अपने देखते हो या ना देखते हो। तो गाइज, जैसा हम सबको पता है कि ट्राई ने एक मिनिमम जो अमाउंट है वो सेट कर दिया है 130 रुपीज़ जो 100 चैनल के लिए हम सबको पे करने ही हैं, जिसमें 100 चैनल का बुक आता है जो कि चैनल फ्री टू एयर होंगे। लेकिन वहाँ पे भी ट्राई ने ये मैंडेटरी नहीं किया है कि जो फ्री टू एयर चैनल 100 हैं वो आपको देखने ही देखने हैं। वहाँ पे भी ट्राई ने ये कहा है कि आप जो चैनल नहीं देखना चाहते उन 100 चैनल में से भी उनको भी आप रिप्लेस करके कुछ पेड चैनल्स में ऐड कर सकते हैं। अब जो 100 चैनल्स का बुके मेरे को बना के दिया है मेरे केवल ऑपरेटर ने या फिर मेरे डीटीएच ऑपरेटर ने, उसमें से 25 चैनल ऐसे हैं जो मुझे नहीं देखने हैं, और इधर जो 25 चैनल मैंने सेलेक्ट किए हैं जो मैं देखना चाहता हूँ और पेड हैं, सपोज़ इसका जो प्राइस है वो 50 रुपये है, 25 चैनल की जो कॉस्ट है वो 50 रुपये है, तो मैं इस फ्री टू एयर चैनल्स में से वो 25 चैनल हटवा दूंगा जो मुझे नहीं देखने हैं, तो इधर बचे 75। और ये जो 25 चैनल हैं ये मैंने इस वाले बुके में डलवा दिए, ये टोटल चैनल हो गए 100। और जो इसकी फीस होगी वो होगी 130 + 50 रुपीज़ जो इस 25 चैनल का कॉस्ट था वो, तो 180 रुपीज़ हो जाएंगे टोटल जो मेरी कैपेसिटी फीस थी अगर मैं ये पूरे 100 चैनल लेता और 25 चैनल और ऐड कराता इसमें फ्री टू एयर में 25, तो वो 125 चैनल हो जाते और मेरे को 20 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ते किस चीज़ के लिए, नेटवर्क कैपेसिटी फीस के लिए। वो 20 रुपये बच जाएंगे अगर आप जो चैनल नहीं देखना चाहते उसकी जगह पे पेड चैनल ऐड कराते हैं। तो नियम है उसको तोड़ा मरोड़ा जा रहा है केवल्स ऑपरेटर डीटीएच जो ऑपरेटर्स हैं उनके द्वारा, क्योंकि उन्होंने वो 100 चैनल का बुके है जो फ्री टू एयर है वो मैंडेटरी कर दिया है कंज्यूमर्स के लिए। तो मैंने एक जो वीडियो है उसका लिंक दिया है आपको डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ उस वीडियो को चेक कीजिए और देखिए, जहां ट्राई ने बिल्कुल साफ किया है कि आप 100 चैनल्स में से अपने अकॉर्डिंगली उन चैनल को हटा सकते हैं जिन्हें आप नहीं देखना चाहते हैं। और प्लीज़ आप कॉन्टैक्ट कीजिए अपने जो केवल ऑपरेटर हैं, डीटीएच ऑपरेटर्स हैं, उनको कॉन्टैक्ट कीजिए और उनसे ये बात पूछिए कि क्या हम इन्हें रिप्लेस कर सकते हैं पेड चैनल्स के साथ अगर फ्री टू एयर चैनल में से हम कुछ नहीं देखना चाहते। और अगर वो मना करें तो प्लीज़ आवाज़ उठाएं, उनको बोलिए कि ट्राई ने जो नियम लागू किए हैं वो ये नहीं है कि हम 100 चैनल्स ही देखें या 100 चैनल मैंडेटरी हैं हमारे देखने। उन्होंने ये बताइए कि भैया हमारे जो चैनल्स हैं वो हमारे अकॉर्डिंगली सेट हो सकते हैं, तो प्लीज़ आप अपनी जो नेटवर्क कैपेसिटी फ़ीस है उसे बढ़वाने के लिए या उसे ऐड कराने के लिए हम पे बर्डन मत डालिए और हमारे जो चैनल हम देखना चाहते हैं उस फ्री टू एयर वाले बुके में यानी 100 चैनल में इंक्लूड कीजिए। अगर आप अपना जो स्टेप है उसे नहीं उठाएंगे, अपना जो एक्शन है वो नहीं लेंगे, तो ये अपनी मनमानी करते रहेंगे और ये सब ऐसे ही चलता रहेगा।
तो प्लीज़ अगर आप देखना चाहते हैं कुछ अच्छे क्वालिटी चैनल, अपने कुछ पैसे बचाना चाहते हैं, तो प्लीज़ 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 अपने केबल ऑपरेटर, अपने डीटीएच ऑपरेटर से कांटेक्ट कीजिए और उन्हें बताइए कि हम अवेयर हैं इस चीज़ से, अगर आप दबेंगे तो वो आपको और दबाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें, ताकि सबको पता लगे कि एक्चुअली ये जो डीटीएच ऑपरेटर्स हैं या केबल ऑपरेटर्स हैं वो अपनी मोनोपोली नहीं चला सकते हैं। ओके, तो बने रहिए सरोवर टक के साथ और देखते रहिए मेरी वीडियो। जल्दी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।